जरा देखिए एनर्जी संकट पर नेटो महासचिव की चेतावनी। सर्दियों में ऊर्जा संकट से यूरोप में सिविल अनरेस्ट की आशंका, जेन्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा। नेटो महासचिव ने पुतिन के गैस कटौती को ऊर्जा ब्लैकमेल करार दिया। यूक्रेन के समर्थन की कीमत यूरोप को चुकानी होगी, जेन्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा। तो ये एक तरीके से मानसिक रूप से तैयार कर देने की स्थिति भी चल रही है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कई बार आप जानते हैं ब्याज स्तुति ब्याज निंदा अलंकार दोनों का ही इस्तेमाल होता है। अब जरा देखिए संकट में जर्मनी, संकट में जर्मनी है, बुल्गारिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है और पोलैंड है। क्यों है ये संकट में? आप जानते हैं कि ऊर्जा पर ही आज सब कुछ आधारित है। वहां एनर्जी सेक्टर से ही आप जानते हैं गैस एनर्जी इंडस्ट्रियल गुड्स उससे डिपेंडेंट हैं, होटल रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, बिजली से चलने वाले कारखाने डिपेंडेंट हैं, मोटर इंडस्ट्रीज इसमें डिपेंडेंट है, केमिकल फर्टिलाइजर और स्टील से जुड़े हुए जो उद्योग हैं वो इस पर डिपेंडेंट हैं। और इसीलिए सिर्फ ठंड नहीं महामंदी का भी डर यूरोप को सता रहा है। और इसीलिए ये गैस इतनी भारी पड़ने वाली है जिसको डोमेस्टिक, तनेजा साहब आप बता रहे थे आपको कि एकदम घरेलू समझा जाता था, उसको बाहर से आने वाली आयातित समझा ही नहीं जाता था, समझा जाता था कि ये तो घरेलू है, घर का मामला है। वो घर का मामला अब जब बाहर का हुआ है और अपना सिग्निफिकेंस उसका एहसास कराना रूस ने शुरू किया है, तो बेशक ये दिखाया जा रहा हो कि कवायदें चल रही हैं, 15 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस तो सिर्फ अमेरिका से आ जाने वाली है साल के अंत तक, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है। जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो चीजें ओवरनाइट नहीं हो जाती, लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं ना, ये जो उद्योग है इनको हर दिन ऊर्जा चाहिए, ये जो कारखाने हैं इनको हर दिन ये ऊर्जा चाहिए। यहां पर जब अगर घर ठंडे होने लगेंगे, पानी गर्म करने के लिए रातों रात आपको सप्लाई चाहिए, ये कैसे मुमकिन होगी? तनेजा साहब आप ये जो कह रहे थे, अब ये डोमेस्टिक का एहसास हो रहा होगा कि एक्चुअली आ कहां से रहा था। इधर जो कोशिशें चल रही हैं, प्राइस कैपिंग कर देंगे, डिपेंडेंस कम कर लेंगे, ये ओवरनाइट हो नहीं जाएगा। तो फिर ये कवायदें क्यों होती जा रही हैं? वो लोग रियलिस्टिक होकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, यूरोप को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पिछले 20 साल से यूरोप और रशिया की अर्थव्यवस्था काफी इंटीग्रेट हो रही थी। तमाम चीजों को लेकर के पश्चिम यूरोप को यह था कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इंटीग्रेट हो रही थी। और ये कुल मिलाकर यूरोप जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी ताकत बन रहा था और अमरीका से दूर हो रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था। अमरीका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये कि यूरोप जो हमेशा उनका एक तरीके से उंगली पकड़ के चलता रहा है, उंगली पकड़ के खड़ा होता रहा है, वो ड्रिफ्ट हो रहा है, अलग जा रहा है, रूस के साथ मिल रहा है। ऐसा ना हो किसी दिन यूरोपीय यूनियन में रूस भी शामिल हो जाए। तो यूक्रेन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी पुतिन साहब ने कि अमेरिका को मौका मिल गया कि उन्होंने वहां पे बिल्कुल अमेरिका के साथ मिलकर किलेबंदी शुरू कर दी, ताबड़तोड़ एकदम किलेबंदी शुरू करी है। अभी तो ये आर्थिक युद्ध है, अभी ऊर्जा का युद्ध है और एक तरह से इकोनॉमिक कोल्ड वॉर हो रही है, लेकिन इसके बहाने हुआ ये क्या है कि यूरोप और अमेरिका एक बार फिर मिल गए हैं और एक तरीके का जो पूरे दुनिया की जो जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको जो है बिल्कुल इट हैज गॉन फॉर अ टॉस, इसको बिल्कुल आसमान में उछाल दिया गया है। अब ये 990 करोड़ लोग यूरोप अमेरिका और OECD वगैरह के ये मिलके एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी किलेबंदी कर रहे हैं, जो इनके बाहर 7 अरब लोग रहते हैं जिसमें भारत भी शामिल है, उनकी इनको कतई परवाह नहीं है। जो भी दाम मिल रहा है उस पर ये गैस खरीद रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एक समुद्री जहाज गैस लेके बांग्लादेश जा रहा था, बांग्लादेश के पास से उसको वापस यूरोप ले लिया गया क्योंकि उन्होंने 2.5 गुना ज्यादा उसकी कीमत दी। बांग्लादेश बेचारा इतना कीमत नहीं दे सकता। यही पाकिस्तान के साथ हुआ अभी 48 घंटे पहले, हो सकता है क्योंकि इनकी डीप पॉकेट्स हैं तो ये रिसोर्सेज पर कब्जा करते चले जाएंगे, उसको खराब किया जा रहा है। लेकिन सर इनकी भी तो एक लिमिट आएगी ना, आप जरा वो समझने की कोशिश करता